नमस्कार प्रधानमंत्री जी, कौन बोल रहे हैं जी? मैं हरेश महेश्वरी, कच्छ जिला भुज से, बूथ नंबर 189, पेज नंबर 36, पेज प्रमुख बात करता हूं। हरेश जी नमस्ते, करते क्या हैं हरेश जी आप? सर मैं एज ए एमआर तरीके जॉब करता हूं फार्मास्यूटिकल में। अच्छा अच्छा अभी कच्छ में ठंड कैसी है भाई? कच्छ में ना ठंड तो होती होती है। प्रधानमंत्री जी, हम लोग बिल्कुल ठीक है, अभी ठंड तो ठीक ठाक पड़ रही है। मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ सर। हम लोग बताइए, मन की बात पूरे ध्यान से सुनते हैं। मैं तो अपने बच्चों को भी ये कार्यक्रम सुनाता हूँ। इसमें जिस तरह के विषय आप चुनते हैं उनसे हम सभी सभी को और बच्चों को भी बहुत प्रेरणा मिलती है सर। हम लोग बहुत गर्व महसूस करते हैं। अच्छा हरीश भाई, आप पन्ना प्रमुख हैं, आपके पन्ने पर 25-30 मतदाताओं के नाम होंगे, मतलब 15-20 परिवारों से आप जुड़े हुए होंगे। क्या कभी इन 15-20 परिवारों ने साथ मिलकर के मन की बात सुना है क्या? हाँ सर, सुना है सर, कई बार सुना है हमने। देखिए मैं जो पन्ना प्रमुख है उनसे आग्रह करूंगा कि महीने में एक दिन जब मन की बात होती है उस समय आप मिलकर के बातें करेंगे तो मैं मन से सोचूंगा कि मैं आपके बीच बैठकर के गप्पे मार रहा हूं। मैं कच्छ में आया हूं, आपके साथ बातें कर रहा हूं, आप सब मेरे सामने बैठ रहे हैं, मुझे बहुत आनंद आएगा। तो ये सभी पन्ना प्रमुख से मेरा आग्रह है कि आपके पन्ने पर जितने नाम है क्या महीने में एक बार सब साथ में मिलकर के ये मन की बात सुन सकते हैं क्या? हाँ सर, सुन सकते हैं। तो आप शुरू करेंगे? हाँ सर, शुरू करूंगा। फिर उसकी फोटो भी आपको नमो ऐप पर अपलोड करनी होगी। हाँ सर, मैं नमो पे करता हूँ, ट्विटर पर भी आपको सर ट्वीट करता हूँ। आप तो फोटो नहीं, हर महीने मैं हरीश भाई की फोटो देखूंगा। क्यों सर, मैं कि आपने सब मिल करके मन की बात सुन रहे हैं। हाँ सर, श्योर, पक्का सर। देखिए हरेश भाई, कच्छ के लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है और मुझे हमेशा कच्छ हमेशा याद रहता है। कोई भी बात करूंगा तो मैं कच्छ का उदाहरण देता ही देता हूं। कच्छ में जो कुछ भी प्रगति हुई है आज लोगों में क्या चर्चा है, क्या कहते हैं लोग? सर हमें गर्व होता है कि हमारे कच्छ में भारत का इतना बड़ा हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बन रहा है। जो कच्छ वीरान रहता था वहाँ पर अपने रण उत्सव की शुरुआत कर इसमें पर्यटन को प्रमुख केंद्र बना दिया है। और सर कोरोना में उत्सव के दौरान यहाँ आते हैं टूरिस्ट रण में 4 से 5 लाख, कुछ कमी तो आई है पर यह समय तो बीत जाने वाला है। पहले जिस रेगिस्तान को कोई कुछ नहीं रहा था उसी कच्छ का सफेद रण, कच्छ का रणु से आज पूरी दुनिया को आकर्षित कर रहा है। अपने और आपके बाद हमारे सभी मुख्यमंत्री ने यह कच्छ की बनी भैंस को दुनिया में मशहूर कर दिया। आज बनी भैंस के दूध का कारोबार और उसके लिए बनी व्यवस्था सबका फायदा कर रहा है। जिस कच्छ में पानी नहीं मिलता था आज ज्यादातर घर में नल से जल का आ रहा है। मांडवी में तैयार हो रहा है डिसिलेशन प्लांट पानी की हमारी समस्या को हल कर रहा है। कच्छ के लोग आपका प्रति आभारी है सर। देखिए हरीश भाई, मैं तो कच्छ का आभारी हूँ। जब मैंने पहली बार वास्मो के द्वारा पानी का काम कच्छ में शुरू किया था, सारी कच्छ की माताओं बहनों ने इस काम को उठा लिया था और उसको इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला था। तो पानी के संबंध में कच्छ के लोग समझते हैं कि कितना महत्व है और कच्छ के लोगों ने करके दिखाया था। अच्छा रणोत्सव में इन दिनों कैसा माहौल है, कभी जाना हुआ क्या इस बार आपका? हाँ सर, मैं गया था सर। वैसा ही मूड है लोगों को, रोज लोगों का आकर्षण बढ़ रहा है। हाँ बहुत आती है पब्लिक से, टूरिस्ट बहुत आते हैं। मैं तो देख रहा हूँ इन दिनों ट्विटर पे फेसबुक पे जो कच्छ का रण देख करके आते हैं, इतनी तारीफ करते हैं, इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें लिखते हैं, बड़ा आनंद होता है मुझे। और अब तो धोलावीरा भी
वहां भी टेंट सिटी बनाए मैंने सुना है, और लोग कच्छ का रण के कार्यक्रम के साथ धोलावीरा भी जाके रात को रुकते हैं। हरीश भाई जी सर, सचमुच में मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कच्छ की कई बातों की एक प्रकार से सामने मुझे सारा चित्र खड़ा हो गया। मेरी तरफ से सभी कच्छ के मेरे साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना, बहुत बहुत बधाई।